आदमी को हालात मजबूत कर देते हैं, आदमी झुक जाता है वक्त और हालात के सामने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ब्लॉगर ईवी। तो स्वागत है आपका एक नए और फ्रेश वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग, दुआ करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो चलिए सुबह सुबह ही चलते हैं पुलिस स्टेशन। क्यों बताता हूँ, एक मिनट गाड़ी में तो चले। तो पुलिस स्टेशन क्यों, डरने की बात नहीं है। वो मैंने बताया था ना, ड्राइवर्स का वो सर्टिफिकेट, वही क्लियरेंस प्लस जो कल मैं मोहम्मद को दे के आया था, तो उन्होंने वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं जो मैं जाके वहाँ शुरता में जमा करा के आने। तो मैं चलो कोई नहीं, चलते हैं शुरता खाने में। लेकिन हाँ, वहाँ ये रहते हैं ना, जब पुलिस स्टेशन में तो वो फ़ोन बंद करवा देते हैं गेट पे ही। गेट पे ही फ़ोन बंद करवा के उसके बाद एंट्री है वहाँ पर। तो वहाँ पर जब मैं तिलक और विष्णु को लेके गया था तब मुझे पता है, अब आज जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पता नहीं। सही है, तो पहले चलते हैं वहाँ पे। सही है, चलो। यहाँ पे ये काम अच्छा हो जाता है ना कि जैसे एजेंट वगैरह रहते हैं ना, तो मोहम्मद ने ये काम अच्छा कर दिया कि यहाँ पे एजेंट उसने भेज दिया था अपना, जो साहब कंपनी में काम करता है, जो सऊदी होते हैं ना, तो हर कंपनी के पास अपना अपना एजेंट होता है जैसे हुकूमत में काम करवाने के लिए। तो उसने, मोहम्मद ने है ना, अपना एजेंट भेज दिया था, तो उससे काम हो गया। ऐसे मुझे वेट करना पड़ता है अभी, जैसे मेरी मुलाकात हुई उससे, मैं अभी पुलिस स्टेशन के बाहर ही खड़ा हुआ, रवाना हुआ। कैमरा यहाँ पे ममनू है चालू करना, शायद आपको पता होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, कैमरा नहीं ऑन करने देते। जैसे मैंने बताया था ना पहले कि मोबाइल भी स्विच ऑफ करवा देते हैं। तो बहरहाल वो जो मंदूब है उससे हो जाएगा काम। उसने बोला कि 2 दिन लगेंगे अभी इसमें, बोला पता नहीं रश ज़्यादा है इस वजह से, लेकिन कोई नहीं, हो जाएगा। बहरहाल मैं फ्री हो गया डॉक्यूमेंट देके। सही है, तो चलते हैं वर्कशॉप की तरफ वापस, यहाँ से फ्री हो गए चलते हैं वर्कशॉप, मिलता हूँ मैं आपसे आगे। ओके, अभी रास्ते में पहुंचा भी नहीं हूँ वर्कशॉप में, पीछे से फोन आ गया, वही मंदूक, जैसे मैंने बताया था अभी आपको कि काम हो गया। पहले तो बोल रहे थे वो 2 दिन, फिर अभी फ़ोन आया कि काम हो गया। क्यों, इनका ऐसा ही है ना, अगर वही बात मैंने जैसे बोली कि एजेंट का काम हो गया ना आसान, अगर मैं जाता अंदर तो पक्का 2 दिन लगाता, आज नहीं कल आओ, कल नहीं परसों आओ ऐसा। लेकिन अब सऊदी सऊदी आपस में टकराते हैं तो वो उनका क्या वास्ता निकल जाता है, या अम्मी या हबीबी गलवे कुछ कुछ बोल के यहाँ पपी वपी दिख करके इनका काम हो जाता है बढ़िया, है ना। तो यही होता है ना, जैसे मैं बोलता हूँ ना, हम जबान लैंग्वेज का बहुत फ़र्क पड़ता है, चाहे कोई भी काम हो, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे हुकूमत का काम हो, तो बहुत फ़र्क पड़ता है ऐसे। तो चलो अपना काम हो गया, कैसे भी हो चाहे, ऐसे 2 दिन लगते ऐसे इंशाल्लाह 2 या 3 दिन में लाइसेंस आ जाएगा। तो उसने फ़ोन किया, मैंने बोला कोई नहीं, यहाँ इनकी वर्कशॉप है मेरे वर्कशॉप के पास में। तो मैंने बोला कोई नहीं, आप यहाँ आ जाओ, यहाँ आके मुझे फ़ोन करो तो मैं डॉक्यूमेंट जो है वो कलेक्ट कर लूँगा। तो फिलहाल तो चलते हैं वर्कशॉप में, रास्ते में हूँ, अभी पहुँचा कहाँ हूँ, रास्ते में हूँ, मिलता हूँ आपसे वर्कशॉप में। ओके, चलो आ गए वर्कशॉप में वापस। एक मिनट, इसको कहाँ लेके जा रहा हूँ, आ गए। अब मुझे उसके फ़ोन का इंतज़ार है, वो जल्दी से वर्कशॉप में आ जाए अपनी वाले में, जो यहाँ पास में ही है आगे थोड़ा, तो जाके वो डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद देखते हैं प्रोसेस आज जमा होता है, क्योंकि ड्राइवर के फ्री होने पर है, जैसे ड्राइवर फ्री होंगे तभी जमा होगा वो, तो देखते हैं। फिलहाल इंतज़ार करता हूँ, फिर चलेंगे वहाँ पर। ठीक है, मिलता हूँ आपसे बाद में। A few moments later. आज यार आंधी चल रही है पता नहीं क्या। चलो उसका फ़ोन आ गया, वो यहाँ पास में कंपनी में है, यहाँ साहब का वर्कशॉप है, यहाँ पे काम है उसका। तो फ़ोन आ गया उसका, चलते हैं वहाँ पे, दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये है साहब कंपनी का वर्कशॉप, यहाँ पे भी एक छोटा सा जो है वो ऑफिस बना हुआ है जैसे ट्रांसपोर्ट के काम के लिए। तो चलते हैं अंदर, वहाँ से जो डॉक्यूमेंट्स हैं ड्राइवर्स के फिंगर वाले वो लेके आ जाते हैं। फिर आज 2:30 या 3 बजे जाना पड़ेगा मदरसा, अगर ड्राइवर्स आ गए तो साइड से, तो ड्राइवर हंसा गए हुए ना, तो वो अगर साइड से आ गए तो जाना पड़ेगा। लेकिन पहले यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं, फिर मिलता हूँ मैं आपसे। ठीक है, चलो मिल गया यार ये रहा, गाड़ी में जाके फिर बताता हूँ मैं आपको क्या होता है, कैसा दिखता है। एक मिनट, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा होता है, कैसे फिंगर्स वगैरह कैसे होता है, बैक कैमरा करके दिखाता हूँ, क्योंकि फ्रंट से ये आएगा नहीं, पूरा वाइट हो जाएगा तो ये दिखेगा नहीं। बैक कैमरा करके फिर दिखाता हूँ आपको। तो देखो ये होता है, ये पूरा फिंगर सिस्टम है, ये शूटता देता है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, क्रिमिनल क्लियरेंस सर्टिफिकेट, यानी भाई इस बंदे पे कोई क्रिमिनल केस वगैरह नहीं है, ये क्लीन चिट एकदम बंदा। फिर ये ऐसा आता है, फिर इसको वहाँ
सबमिट करना पड़ता है मदरसे में। तो बस इनके ये नए नए नियम हैं, पहले तो नहीं था, जब मैंने बनाया तब नहीं था, और भी कई लोग बनाते हैं तब नहीं होता, लेकिन अब ये नए नए नियम हैं तो करने पड़ेंगे, फॉलो तो करने पड़ेंगे ना, जैसा देश वैसा भेष, तो जहाँ रहोगे वहाँ के नियम फॉलो तो करने पड़ेंगे ना। तो कोई नहीं, बनवा लिया, चलते हैं वर्कशॉप वापस, फिर जैसे खाना वाना खा के फिर निकलेंगे, या तो निकलेंगे आज टायर लाने और या निकलेंगे उनको मदरसा, ठीक है? तो मैं अब डायरेक्ट मिलूँगा आपसे बाद में, खाना वाना खा के आराम से, ओके। हेलो जी, स्वागत है वापस, कहीं जाना नहीं हुआ, क्यों जाना नहीं हुआ, पीछे पेड़ दिख रहे होंगे, तूफान आ रहा है यहाँ पे, अभी थोड़ा और नॉर्मल हुआ है, इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं आंधी के साथ में, नहीं पूछने वाली बात है, वो देखो पेड़ दिख रहा होगा आपको उल्टा हुआ, अभी और कम पड़ गया थोड़ा, शायद इसीलिए आज गाड़ियाँ जहाँ साइड पर है वहाँ खाली नहीं हुई। मैंने फ़ोन किया था ड्राइवर को, बोल रहा है यहाँ भी हवा चल रही है, रेत उड़ रही है और बहुत तेज़ तूफान उड़ रहा है ना, शायद माइक में आवाज़ नहीं आ रही होगी आपको, लेकिन बहुत तेज़ हवाएं चल रही है यहाँ पे। तो यही रीज़न है ना, तो वहाँ जा पाया स्कूल और ना ही मैं टायर लेने जा पाया, क्योंकि आंधी चल रही है, हवा नहीं, आंधियाँ बोलते हैं उसको, आंधियाँ चल रही है। चलो कोई नहीं, आज परमा से बात करेंगे बढ़िया, कल परमा बिजी था बहुत ज़्यादा, परमा भी कटिंग कर रहा है ये अमूद, ये दिख रहा होगा आपको, ये वो चौकअप मैंने बताया था ना, चौकअप गाड़ी हुआ तो उसको काट के कोई जुगाड़ बना रहा है परमा। क्या बना रहा है परमा, क्या बना रहा है, क्या क्या बनेगा इसका, रॉकेट? पब्लिक बोल रही है परमा घर तो गया ही नहीं। दिवाली पर, दिवाली पर हालात मजबूत कर रहे हैं, हालात, वक्त और हालात, वक्त और हालात, आदमी झुक जाता है वक्त और हालात के सामने। कोई नहीं, होली पे ना सही तो दिवाली पे है परमा, दिवाली का चावल तेरा भाई घर पे खाएगा। चलो वो तो हो गया, वो लोग काम कर रहे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको मुर्गी का घर, छोटा सा जो बना हुआ है अंडर द ग्राउंड, उसमें से अंडे निकालते हैं इतने इतने से, चलो वो देख। माँ की नहीं हो रही है, एक हाथ का एक काल का अंडा, ठीक है? हाँ ले, ये अच्छा चालू है कैमरा, ये हम है, हाँ। ये हमारी मुर्गियां हैं। तो ये हैं हम अभी अंडर द ग्राउंड, ये दिख रहा होगा आपको, ये अंडे निकाले हैं बाल्टियों से, एक दो तीन, दिखा होगा ना, वो रही मुर्गियां, अभी आपने बैक कमरे से देखा होगा, ये वो ब्लैक वाली, ये रही ब्लैक वाली, एक मिनट बैक कमरा करके आपको जूम करके दिखाऊंगा, वही दे रही है ये सफ़ेद सफ़ेद अंडे, इतने इतने से इतने, बाकी ये तीनों हैं अभी कोई नहीं दे रही, प्रिपेयर हो रही है धीरे धीरे अंडर द ग्राउंड में, ये तीनों घर इन चारों के है ना। चलो निकलते हैं बाहर, फिर बैक कमरा करके मैं दिखाता हूँ कौन से अंडे दे रही है। निकालिए अंडे, दो अंडे निकालिए और इकट्ठे कर रहे हैं धीरे धीरे, अभी खा नहीं रहे, अभी धीरे धीरे इकट्ठे कर रहे हैं, फिर इकट्ठे करके फिर लाइन लगाएंगे ताकि खाते भी रहे इकट्ठे भी होते रहे, क्योंकि अभी है ना एक मुर्गी अंडा दे रही है, बाकी जब ये सारी अंडा देने लग जाएगी ना तो बढ़िया हो जाएगा काम, सही है? तो चलो ये अंडे रख देते हैं, फिर चलेंगे मामा के पास, मैं मिलता हूँ उससे, काफ़ी दिन हो गए मामा से बात नहीं हुई ना, लेकिन पहले अंडे रख के फिर मिलता हूँ, ठीक है? तो कोई नहीं, मामा से तो बात हो नहीं पाएगी क्योंकि मामा अभी तक काम में लगा हुआ है और मैं जा रहा हूँ टायर लेने। हाँ बिल्कुल सही सुना, टायर लेने, हवा चल रही है, आंधी चल रही है, मुश्किल नहीं है, लेकिन काम वालों के लिए काम ज़रूरी है, तो एक दो गाड़ी के लिए अभी टायर चाहिए, इसलिए टायर लाने आज ज़रूरी है, नहीं लेके आए ना टायर तो काम रुक जाएगा और वो होना नहीं चाहिए, आंधी चले चाहे धूल उड़े काम तो चलता रहना चाहिए ना, काम बंद नहीं होना चाहिए। तो मैं चलता हूँ टायर लाने और अगर साथ में चलेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, जो मुझे चाहिए नहीं, अभी इन दिनों में वीडियो जितना छोटा हो उतना अच्छा है, ये मैं सोच रहा हूँ, ठीक है? तो आप मुझे ये बताइए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ठीक है? और अपना ध्यान रखें, अपनों का भी ध्यान रखें, हम मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जब चलती कलम मेरे चलते हैं पेज, मुझे आती है हिंदी ना बनता अंग्रेज, मुझसे भिड़े गाना है तेरे बस की, तू घर जा और कल अपने पापा को भेज, कुछ पकने से पहले तू नाम कर ले याद, साले तेरे जैसे कितनों की पकड़ी है।